नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम वन मोर टाइम सिंपली विद सुपर्णा. ऑफ कोर्स जैसा कि आपने पिछले कुछ शुक्रवारों में देखा कि वी आर ट्राइंग टू गेट टू नो सम ऑफ द सबेरा अवॉर्डी. सबेरा एज यू नो एक्नॉलेजेस individuals and organizations and non-profits and public sector units and large corporations who are doing good for the country. Essentially, whoever is doing work that puts India on the road to development, catalyzes the SDG change and the journey, as well as is on the ESG journey, we would love to acknowledge them. That's what Sabera is all about. Aur aaj mere saath ek bahut hi khas mehman jude hue hain. Of course, he really doesn't require much of an introduction considering that he has also received the lifetime achievement through Sabera. Lekin phir bhi, as discursively, I will introduce you to him. Lekin pehle, of course, मेरी सरस्वती वंदना, जिसकी वजह से, जिस शक्ति की वजह से मुझे ये प्रेरणा और शक्ति मिल रही है कि मैं ये काम करूं. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मचित्त शक्कर प्रभूति भी, देव सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष. Of course, एक बहुत पुरानी संस्कृत वर्स है, लेकिन essentially उसमें हम उनसे क्या विनती कर रहे हैं कि हमारे जो दिल का अंधकार है उसको ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करो. एंड एज प्रॉमिस्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई वेरी स्पेशल गेस्ट हियर टुडे. None other than Mr. Nand Kishore Chaudhary, a globally acclaimed social entrepreneur, founder of Jaipur Rugs, one of India's largest manufacturers of hand-knotted rugs. शुरुआत उन्होंने खैर सिर्फ दो looms से करी थी और 9 artisans के साथ in 1978 और 4 दशक बाद Jaipur Rugs आज एक ग्लोबल एंटरप्राइज है, एक्सपोर्टिंग हैंड नॉटेड रग्स टू ओवर 60 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर विद ऑफिसेज इन यूएसए एंड इंडिया. एंड ये सब कुछ इन चौधरी जी कहते हैं पॉसिबल नहीं होता आर्टिसन जो है हिंदुस्तान का उसको अपनी प्लेस ना मिले. In fact, he has provided sustainable livelihood to over 40,000 artisans. Challenges are artisans, 600 remote villages mein across 5 states in India, or mostly 80% ye artisans women hain. Thank you so much, Chaudhary sahab. Aaj aap hamare saath jude hain aur bahut hi inspirational story hai. जो कि हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं. और सबसे पहले एक और बार मुबारकबाद कि आपको सबेरा का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है. इट्स नॉट अ स्मॉल फीट बिकॉज जो जूरी है वो डिलिब्रेट करती है, इस पर 4 राउंड्स चलते हैं और उसके बाद एक यूनानिमस जाती है. और आप ये आई रिमेम्बर इमीजिएटली सबने कहा था नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के रिमोट विलेजेस में जो आर्टिसंस हैं उनके लिए और उनका क्राफ्ट मेंटेन करने के लिए एक सोशल एंटरप्राइज. क्योंकि नॉर्मल हम सब सोचते हैं कि अच्छा काम करने के लिए सिर्फ एक नॉन प्रॉफिट होना चाहिए, एनजीओ होना चाहिए. ये हम जानते हैं कि आप बिजनेस के तौर से भी अच्छा काम कर सकते हैं. बिल्कुल जी. और आपके काफी फैंस हैं मुझे नजर आ रहा है, काफी सारे ऑलरेडी मतलब कमेंट्स आने लग गए हैं जिनको मैं साथ साथ दिखाती रहूंगी ऑफ कोर्स. लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं. कहाँ की पैदाइश है आपकी? मेरा जन्म राजस्थान के चूरू शहर में हुआ. और आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी एक दुकान चलाते थे, ब्रांडेड शूज की दुकान थी. अच्छा, शूज दुकान. तो आपने मतलब सोचा नहीं था कि आप अपने पिताजी के साथ ही, क्योंकि उनका तो शूज और ब्रांडेड का बिजनेस था और अच्छा खासा था मेरे ख्याल, तो आपने उनको ज्वाइन करना नहीं उचित समझा? नहीं, मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत उसी दुकान से की जो मेरे पिताजी चलाते थे.
लेकिन मेरा उस दुकान पे ज्यादा मतलब मेरा पेशन नहीं था सेल्समैनशिप में, और दुकान पे काम करते करते मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी। तो मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा। अच्छा, बैंक की लेकिन नौकरी भी मिल गई थी आपको साथ में, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी। और बैंक की नौकरी तो आई रिमेम्बर उस समय की बात ये है कि मेरे मम्मी पापा भी कहते थे, बेटा बैंक में नौकरी कर लो अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, और सेंट्रलाइज बैंक हो तो भैया नौकरी पक्की है आपकी, है ना। तो फिर ये फिर कार्पेट्स का कहां से सिलसिला शुरू हुआ? देखिए क्या है कि फिर मैंने एक डीप इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूं, क्योंकि मैं अपने पेशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। तो मुझे समझ में आया कि मैं एक पीपल पर्सन हूं, नेचर में समय गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा, उस वक्त इंडियन कारपेट की विदेश में बहुत मांग थी, तो मैंने जब इसकी स्टडी की तो समझ में आया कि मुझे इसी धंधे से अपने कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो सोसाइटी से रिजेक्टेड है, जिनको कोई नहीं पूछता, और उनके साथ गांव में जाने का मौका मौका मिलेगा। तो यह सोच के अच्छा इस कारपेट के धंधे की शुरुआत की मैंने। अच्छा तो आपने बेसिकली, आपका एक्सपोजर ऑलरेडी था जो कि कारपेट इंडस्ट्री में, आपने देखा था कि वहां कैसे काम चलता है और क्या होता है, तो थोड़ा सा एक्सपोजर था, और आपने फिर ये सोचा कि इंडियन कारपेट्स की डिमांड भी है, तो इससे शुरू, तो शुरुआत फिर कैसे करी आपने? देखिए फिर मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपये का लोन लिया, और लोन लेके मैंने 2 लूम खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी। उस पुरानी साइकिल से मैं बीवरों के घर पे आया जाया करता था, और आई स्टार्टेड एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर, एक एक्सपोर्टर से मैंने जॉब वर्क लेके 9 वीवर के साथ इस काम की शुरुआत की। अच्छा, 9 वीवर्स को आपने आइडेंटिफाई किया और उनके साथ, लेकिन पहले आपके कोई एक्सपोजर नहीं था कि कार्पेट इंडस्ट्री में क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा कुछ समझ नहीं थी, सीधा सोचा कि चलो छलांग मार देते हैं और शुरुआत करते हैं। नहीं, मैं कुछ अपने जीवन में कुछ नया ही करना चाहता था, जो चैलेंजिंग हो मेरे लिए और जो मेरा पेशन हो। तो जब तो मैंने आप इस धंधे को शुरू किया, तो वीवर, और मैंने देखा कि वीविंग में मेरा बहुत ही रुचि है, और वीविंग के प्रति मेरा प्रेम है, वीवर के प्रति प्रेम है। तो दोपहर का खाना भी मैं वीवरों के साथ ही बैठ के खाया करता था। अच्छा, ओके, लेकिन आपके जो पिताजी थे उन्होंने कुछ बोला कि क्यों कर रहे हो इस तरीके से, काम तो है अपना और क्या करना चाहते हो, या फैमिली वालों ने कुछ कहा आपको? नहीं, पिताजी की तो खुशी यही थी कि मैं उनकी दुकान पे काम करूं, उनके साथ काम काम करूं। तो पिताजी की एज भी हो गई थी, फिर पिताजी ने बोला कि मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने पिताजी को समझाया और फिर वो मान गए। लेकिन जो जब शुरू किया तो फिर क्या है कि जब 2 लूम लगाने के बाद में शुरू किया, तो पिताजी माताजी परिवार के सारे लोग बोले कि आप जिनके साथ काम करती हो तो अछूत लोग हैं, हम तो इनको घर पे नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले अच्छा, मोहल्ले में नहीं आने देंगे। ऐसा वो आपके साथ, मतलब जिनके साथ आप काम करते हो तो घर वालों ने ही बोलने लग गए, क्योंकि आप एक पैशनेट इंसान है, दैट इज वेरी वेरी एविडेंट इन दिस ब्रीफ कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ, कि आपने कहा कि उन्हीं के साथ बैठ के खाना पीना, उनका क्या दिनचर्या रहती थी, उनके साथ वक्त बिताना, तो घर वालों की तरफ से फिर रेजिस्टेंस होने लग गई कि नहीं ये अछूत है, ऐसा बोला गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और उसका फिर आपने कैसे सामना किया, उसने क्या कहा आपने? और देखिए मतलब उस वक्त तो जाति परंपरा ऐसी थी कि जब मैं चूरू शहर में किसी पार्टी फंक्शन में जाता था तो लोग हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तो तब अच्छा, मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके शुद्ध कर्मों से होनी चाहिए, वो जिस तरह के कर्म करता है उससे उसकी पहचान होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि जिस समाज का हिस्सा हूं मैं, जिस परिवार का हिस्सा हूं, उसमें हिपोक्रेसी कितनी है। लोग घर पे कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है,
अकेले होते हैं तो बिल्कुल अलग ही होती है। तो ये सब सोच के मेरा जो लगाव था वो बीबर और बीबर के प्रति लगातार बढ़ता ही चला गया। तो मतलब सिर्फ आपने एक इसको एक धंधे की तरह, एक पेशे की तरह, एक बिजनेस की तरह नहीं देखा, बट एक एक तरह से आपने जब ये एक समाज में जो असमानता है इसका फेस किया, खुद पर्सनल लेवल पे फेस किया, तो यू थॉट कि इनका भी उद्धार होना चाहिए, क्यों? हाँ जी, देखिए क्या है कि जैसे मैं बहुत सीधा साधा था बचपन से, बहुत इनोसेंट था, शर्मिला था और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था, तो ज्यादातर मुझे भी लोग पसंद नहीं करते थे परिवार में, समाज में। और तो आई वाज रिजेक्टेड बाय माय सोसाइटी, आई वाज रिजेक्टेड बाय माय फैमिली, और ये लोग ऑलरेडी रिजेक्टेड थे ही, तो मुझे भी इन लोगों का प्रेम चाहिए था, इस सोसाइटी का, और इन सोसाइटी को कोई मेरे जैसे रिजेक्टेड आदमी का प्रेम चाहिए था। तो बहुत बहुत बार मैं बोलता हूँ कि एक दिन एक तो रिजेक्टेड बॉय और एक रिजेक्टेड सोसाइटी मिलके एक दिन ये जयपुर बन गया। अच्छा, ओके, अच्छा। तो फिर सबसे पहले एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे हुआ? देखिए, मैंने 9 साल तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर, और उसके बाद में मैंने अपना एक्सपोर्ट करने की सोची, तो फिर मैं जयपुर आया। जयपुर आके मैंने जयपुर में रहना शुरू किया, जयपुर में ऑफिस की शुरुआत की। तो मैं क्या है कि पूरे इंडिया में ना क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए कारपेट बनाने में जाना जाता था, तो जो कस्टमर के बाइंग एजेंट थे तो वो मेरे को जानते थे, तो मैंने उनसे ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट की। तो एक जर्मन कस्टमर से मुझे सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। अच्छा, क्या बात है। तो जर्मनी से आपका सबसे पहले शुरुआत हुआ, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल काम से आपने अपना काम कैसे सोचा? मतलब यू बीन अ वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन, मतलब वेयर नो पर्सन हैज गॉन बिफोर। आपने कहा ये चैलेंज मैं लेके रहता हूँ, पहले ना कारपेट में कोई वो नहीं, फिर आर्टिसंस के साथ काम करना, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना। वाह भाई वाह, पैशन हो तो ऐसा। देखिए, जब मैंने 9 साल तक जब मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्चर काम किया, तो मेरा पूरा समय गांव में वीवरों के साथ ही जाता था, बुनकरों के साथ ही जाता था। तो मुझे खूब गहरी ये समझ आई कि जो पूरी कारपेट इंडस्ट्री है, इट इज ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर छोटा होता है, गांव में उसी और छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और उसे वीवर का एक्सप्लोइटेशन होता है और उसको सही ढंग से सर्विस नहीं मिल पाती। जब मैंने अपना एक्सपोर्ट शुरू किया तो मुझे पूरी क्लैरिटी थी कि मुझे डायरेक्ट वीवर के साथ काम करना है, मुझे किसी भी ठेकेदार के साथ काम नहीं करना है। तो उसके बाद में फिर मैंने जब मैंने अपने एक्सपोर्ट की शुरुआत की, उसके 3 साल बाद फिर मैं गुजरात गया, क्योंकि उस वक्त इंडियन कारपेट की बहुत मांग थी, और वहां में 8 साल रह के 15,000 ट्राइबल लोगों को मैंने इस कारपेट वीविंग का काम सिखाया। अच्छा, आपने सिखाया फिर उनको आगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो शुरुआत आपने राजस्थान के आर्टिसंस के साथ किया, और फिर गुजरात में जाके जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, 15,000 ट्राइब्स को आपने जाके सिखाया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्या हुआ फिर 2008 में, आपको एक मैनेजमेंट गुरु का फोन आया, तो वो क्या था? हाँ जी। देखिए, एक दिन में 2008 की बात है, एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था मैं, तो मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला आई एम सीके प्रहलाद। तो आप सभी जानते होंगे सीके प्रहलाद 2008 में नंबर वन ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु थे। मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी मेरे को फोन कर रहा है, शायद गलत नंबर, रॉन्ग नंबर डायल किया होगा। फिर उन्होंने बोला आर यू मिस्टर चौधरी? तो मैं बड़ा अलर्ट हो गया, सावधान हो गया। मैंने सोचा ये मेरा नाम कैसे जानते हैं, हाँ, और मेरा फोन नंबर कैसे इनके पास आया। फिर बोला कि मिस्टर चौधरी डू यू नो मी? तो मैंने कहा कि आपको हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, पूरी जो इंडिया की सरकार है, पूरा देश आपके पीछे लगा है।
कि आप इंडिया की गरीबी दूर करने का फार्मूला तो आप ही पूरे देश को बता रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, मिस्टर चौधरी, आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। तो मैंने उनको बोला, सीके, वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट यू विल डू इज वेरी सिंपल। शायद मेरा पड़ोसी भी मेरे को नहीं जानता, तो केस स्टडी पढ़ेगा कौन। तो फिर उन्होंने बोला, योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज वेरी यूनिक बाई कनेक्टिंग द पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट ग्लोबली बाई एनहांसिंग केपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। करेक्ट। फिर उन्होंने 41 पेज की केस स्टडी की, जो उनकी किताब फॉर्चुनेट बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, जो आज पूरे वर्ल्ड के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। I think you had set that model. You were one of the first ones to set that social enterprise model. आज की डेट में 21वीं सदी में हम लोग हैं और अब लोग, यंगर जेनरेशन, ये एक सोशल एंटरप्राइज एक बज़वर्ड बन गया है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि केवल हम अपने पैसों के लिए नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए, सोशल इंपैक्ट के लिए हम काम करेंगे। लेकिन आपने, मुझे लगता है ये ऑलरेडी 20वीं शताब्दी में 1978 से ऑनवर्ड्स ये एक सोशल एंटरप्राइज का इजाद किया था। आई वुड से डेफिनेटली दैट यू मस्ट हैव बीन वन ऑफ द पायनियर्स टू डू दैट। एंड नॉट ओनली दैट, एक जगह का आपने जो टैलेंट है, जो आर्ट है, वो दूसरे स्टेट में जाके आपने इम्बाइब करके और उनको भी इनेबल किया। सो दैट इज ऑल्सो वेरी यू नो यूनिक थिंग कि आप एक कैटेलाइज, एक यू नो माध्यम बन रहे हैं, एक मीडियम बन रहे हैं, जिससे आप लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स यू नो क्रिएट भी कर रहे हैं और इनेबल भी कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो आपके पीछे है, ये भी एक आप ही की क्रिएशन है क्या, कार्पेट्स की? हाँ जी, मैं इसके लिए आपको बताऊँ, ये हमारा मनचाहा कार्पेट है। अच्छा। और मनचाहा के बारे में मैं थोड़ा आपको पूरी स्टोरी बताना चाहूंगा जी। कि जब मेरी जो बेटी है कविता, अच्छा, तो वो एक ग्लोबल डिजाइनर है। अच्छा। तो वो जब मेरे साथ विलेज में जाती थी व्यूअरों से मिलने के लिए, तो मेरे को बोली कि पापा, इसमें से कुछ होते तो मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है। तो मैं उसको बोलता था, तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने मिलियंस डॉलर खर्चा किया है, अमेरिका में तुमको पढ़ाया है, और ये तो स्कूल भी नहीं गई, तो तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है। लेकिन उसने मेरी बात को नहीं मान के उसने कुछ महिलाओं को चुना और उनको फ्रीडम दी कि आप अपने डिजाइन के खुद कारपेट बनाइए, आपके अंदर जो चलता है, और आप कलर भी खुद ही चुनिए। और आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि उनके बनाए हुए डिजाइन को अभी तक 12 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं, और 2017 में बिमला देवी, जो कभी प्राइमरी स्कूल भी पढ़ने के लिए नहीं गई और अपने गांव के बाहर की दुनिया भी उसने कभी नहीं देखी, उसने अपनी खुद की डिजाइन का जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता, और वो बेटी के साथ जर्मनी अवार्ड लेने के लिए गई। होते मतलब फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से बिमला देवी, जो जयपुर रग्स की एक आर्टिसन थी, वो जर्मनी जाके जर्मन डिजाइन अवार्ड लेके आए। इससे बढ़िया, इससे ऑनरेबल और इससे प्रेरणा यू नो से भरपूर एक इंसिडेंट और क्या हो सकता है। आई एम श्योर नॉट ओनली वो बिमला देवी, बट बाकी सब भी जो आपके साथ जुड़े हुए होंगे, इट मस्ट हैव बीन सो इंस्पायरिंग एंड सो यू नो वंडरफुल फॉर दैट। एंड हैट्स ऑफ टू योर डॉटर। तो आपके कितने बच्चे हैं? देखिए, मेरे पहले तीन बेटियां हैं और दो बेटे हैं। पांचों को मैंने अमेरिका ही पढ़ाई लिखाया। तो तीन लोग तो यूएसए की कंपनी चलाते हैं जो अटलांटा में है। अच्छा। और दो बच्चे मेरे साथ रहते हैं। और आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, आपको बहुत सुन के, सभी को सुन के अच्छा लगेगा जी। कि शुरू शुरू में मेरे तीन बेटियां हुई थी, तो हमारा बहुत ट्रेडिशनल मारवाड़ी परिवार है, तो परिवार के लोग वाइफ को बोलते थे, तुम्हारे तो तीन बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो वाइफ को बहुत ही नजरों से देखते थे, तो वाइफ बड़ी परेशान रहती थी। और मुझे समझ में नहीं आता कि तीन बेटियां, उनसे क्या तकलीफ है। तो उसमें तो एक अंग्रेज दोस्त हुआ करता था, तो
जब भी कोई परेशानी आती, कोई सलाह लेनी होती, मुझसे लिया करते थे। तो मैंने उसको पूछा कि समस्या का समाधान कैसे करें। तो उसने बोला कि तुम्हारे जो कम्युनिटी के अंदर परिवार में जो बेटे बेटियों में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बेटे तो स्पॉइल्ड हो जाती है, बेटियां पीछे पीछे रह जाती है, और तुम बड़े लकी हो कि तुम्हारे पहले तीन बेटियां हैं, बिकॉज वुमेन आर मोर रिसेप्टिव एंड मोर एफिशिएंट। तो उसकी बात को मान के फिर बेटियों को मैंने बेटों से भी ज्यादा अच्छी तरह पाला पोसा और सबको अमेरिका पढ़ाई लिखाया, और आज आप देख सकते हैं उन्होंने बिजनेस में कितनी वैल्यू ऐड की है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट नॉट ओनली, मतलब आप कितने लेवल के अंदर वो चेंजेस धीरे धीरे, ये चीजें ओवरनाइट तो नहीं होती, लेकिन अपने अंदर कुछ इम्बाइब करके, अपने आप को चेंज करके, तभी हम देख सकते हैं कि समाज में चेंज आ सकता है। सिर्फ कहने से, सिर्फ लिप सर्विस करने से, बोलने से, अपने आप को अच्छा महसूस कराने की बजाय अगर अपने अंदर वो हम इम्बाइब करें, तो उससे उससे बढ़िया और प्रेरणा क्या हो सकती है, और इंस्पिरेशन क्या हो सकती है। और मतलब अगेन हैट्स ऑफ टू योर गर्ल्स जिन्होंने इंटरनेशनली अब आपका एस्टैब्लिश किया है, ये पूरा जयपुर रग्स का ऑफिस वहां पर भी, और 5,000 रुपए से जो आपने उधार लिए थे अपने फादर से, अब 1,000 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गई है ये दोनों ऑफिसेस का मिला के। तो एक एक बात अगर आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें कि ऐसा तो है नहीं कि जर्नी बहुत इजी रही होगी, ये तो जब एंड में अब आप देखते हैं तब आपको लगता है वाह वाह इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या क्यों, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो, और श्योर क्या, बहुत ही ज्यादा जब शुरुआत में आप ऐसे करें 1980s के अंदर, या तो कोई एक किस्सा अगर आपको याद हो इनिशियली तो जरूर शेयर करें, जो कि लोगों को इंस्पायर करें कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स, जो दिल की बात है, जो पैशनेट है, और उसको दृढ़ होके अगर आप चलते रहे तो जरूर सक्सेस आपकी कदम चूमेगा। देखिए, जब से मैंने इस काम को 45 साल पहले शुरू किया, तब से लेके आज तक हर वक्त फेलियर चैलेंजेस ही देखे हैं मैंने लाइफ में, और आज जो चैलेंजेस है वो ग्लोबल लेवल के चैलेंजेस है, लेकिन आज भी वो चैलेंजेस तो वैसे ही है। लेकिन बिजनेस का मतलब यही है कि अगर आपके पास चैलेंज नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप कैसे उनको एंजॉय करते हो। तो एक मैं घटना बताना चाहूंगा कि एक बार मैं अपने गुजरात ऑफिस में बैठा था, तो क्योंकि मैं तो डायरेक्ट वीवर से काम करता था, कॉन्ट्रैक्टर से काम भी करता था, तो वो मेरे ऑफिस में आए और आके एक छोटी सी गन मेरे सामने रख दी। बोला, मिस्टर चौधरी, या तो आप गुजरात छोड़ के चले जाइए, नहीं देखिए आपके क्या क्या हाल होंगे। अच्छा, तो मुझे समझ में आया कि इट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ इज फेलियर, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीवर के साथ काम करता था और वो पूरा जो आदिवासी समाज था उसका, वो मेरे से इतना ज्यादा खुश था कि मुझे उस वक्त ये ध्यान आया कि ये जो पूरा समाज है, एवरीबॉडी लाइक मी, तो इनकी कोई हिम्मत नहीं होगी ये कुछ करे मेरे साथ। वाओ, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम आपने बताया। फिर उस समय कैसे हैंडल करी आपने सिचुएशन, कोई सामने आके आपके गन रख आप रे? अच्छा, फिर आपने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से, क्योंकि आपको था कि मेरे साथ पूरा मेरा समाज है जो कि आदिवासी हैं, जिनको जिनका उद्धार भी कर रहा हूँ साथ में अपने काम के साथ, तो वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ये इसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जिसको ये आगे दिखा रहा है। तो आप डरे नहीं, मतलब? हाँ, मैं डरा नहीं, और वो इतनी बड़ी ये रिस्क भी नहीं, नहीं, नहीं लेगा कि पूरा समाज नाराज नाराज हो जाए। करेक्ट। माय गॉड, दिस हैज बीन क्वाइट अ जर्नी फॉर श्योर। तो एक और भी मैं कुछ पढ़ रही थी आपके बारे में शुरुआत के अंदर, आपने मतलब जब बच्चों ने कहा कि हम बाहर विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं, या आपकी डॉटर ने कहा सबसे पहले कि मैं बाहर पढ़ना पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो यू एज अ पेरेंट आपके दिल में, दिमाग में क्या आया कि इसको भेज देना चाहता? देखिए, जब मेरी जो बड़े वाली बेटी आशा, उसने बोला कि अच्छा, पापा मैं विदेश पढ़ना चाहती हूँ,
तो मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो अमेरिका कैसे जाएगी, कैसे रहेगी वहां पर, कौन उनकी संभाल संभाल करेगा। तो फिर वो अंग्रेज दोस्त को पूछा कि भाई इसको मैं अमेरिका भेजू नहीं भेजू, तो उसने बताया कि वो जो कंट्री है दैट इज मोर सेफर देन योर होम, और जब ये पढ़ लिख के वापस वापस आएगी तो सी हैव ए टोटली डिफरेंट परसेप्शन, तो आप इसको पढ़ने के लिए भेजो। फिर बेटी ने मेरे को पूछा कि पापा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन मेरे से है। तो मैंने बोला देखो कि मुझे बीविंग में बहुत मजा आता है और वीवर के साथ बहुत मजा आता है, तो मैं एक वीवर ही हूं, तो तुम जब अमेरिका जा रही हो तो एज ए वीवर की डॉटर के रूप में जाना, एज ए रिच पर्सन की डॉटर के रूप में मत जाना, क्योंकि मेरा जो एंड कंज्यूमर है ही लिव्स इन यूएसए, वहां की जो वुमेन है वो, और मैं अपने एंड कंज्यूमर से कभी नहीं मिला। तो जब तुम पढ़ रही हो तो तुम ये देखना कि वहां की जो वुमेन है उनके सोच में क्या बदलाव आ रहा है, अपने घर को कैसे डेकोरेट करती है, उनको कौन से कलर पसंद है, तो तुम उनकी पूरी अच्छी तरह स्टडी करना। तो वेन यू कम बैक टू इंडिया यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। और बेटियों ने इस बात को माना और इतना बड़ा वो चेंज लेके आए इस धंधे में। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज मोस्ट इंस्पायरिंग। इनफैक्ट मुझे तो सबसे बढ़िया आपका ये जो मनचाहा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर जो विमेन है स्पेशली, जो उनके दिलों में है, वो अपने हिसाब से, अपने कलर, अपने पैटर्न, उसमें हमने उनको एक एक फ्रीडम सी दी कि आप जो आप करना चाहते हो, एक ऑथेंटिसिटी इन अ वे। ये कुछ पुराने जो ट्राइबल डिजाइन्स जो उन्होंने बचपन से कुछ एक्सपोजर रहा होगा, तो वो भी तो प्रिजर्व हो रहे हैं ना इससे फिर। हाँ जी हाँ जी, हमारी पूरी फ्रीडम है। वो जो अपने गांव में आसपास में देखते हैं हम उनको एक्सपोजर भी देते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह में भेजते हैं, और विदेश के भी काफी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हम लोग, वो भी उनको एक्सपोजर देते हैं। तो जो अपने देश के डिजाइन है, पुराने जो डिजाइन है, उन्हीं से वो इंस्पिरेशन लेके वो अपने कारपेट में डालते हैं। तो आज आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जयपुर रग्स में, जो कि आपके लिए ये ब्यूटीफुल क्रिएशंस बना रही हैं? देखिए करीब 25,000 महिलाएं हैं जो मतलब कारपेट वीविंग से और हैंड स्पिनिंग से जुड़ी हुई है। हम लोग जो हमारा जो धागा होता है वो भी हैंड स्पिन होता है, हैंड कार्डेड एंड हैंड स्पन, वाह, तो वो बीकानेर के रिमोट एरिया में बनता है वो ढाणियों के अंदर। तो इस तरह से करीब 25,000 महिलाओं से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। वाह वाह, मतलब कापेट ही सिर्फ हैंडमेड नहीं है, बल्कि जो धागा है जिससे वो कापेट बनता है वो भी हैंड स्पन है। हाँ जी देखिए तीन चीज है उसमें, जो ऊन है ना, पहले पहले जब कारपेट बनते थे तब तो मशीन भी नहीं थी, बिजली नहीं थी तो मशीन कहाँ से होगी, उस वक्त भी कारपेट बनते थे तो पूरा जो धागा ना हाथ से कताई होता था और हाथ से उसकी कार्डिंग होती थी। तो हमारा जो धागा है वो हैंड कार्डेड, जो आज के कम से कम 200-400 साल पहले बनता था, हैंड कार्डेड, हैंड स्पन एंड हैंड वोवन, ये तीन तीन हैंड है हमारे कारपेट में। ब्यूटीफुल। तो आप कौन सा नया पड़ाव आप लेके आ रहे हैं जयपुर रग्स की रग इंडस्ट्री में और डेवलपमेंट सेक्टर में? देखिए क्या है कि कारपेट इंडस्ट्री को मतलब इतना ज्यादा कॉमर्शियल बना दिया था कि जितने भी जो आर्टिजन थे काम करने वाले देवर कन्वर्टेड इनटू द लेबर्स। तो जब हमने कामकाज की शुरुआत की तो वापस वो लेबर से उनको आर्टिजन में बदला। और जब मेरी बेटी कविता पढ़ लिख के आई तो उसने बोला कि आई विल गो वन स्टेप फर्दर, मैं अपने पिता से एक कदम आगे जाऊंगी। तो शी स्टार्टेड कन्वर्टिंग द आर्टिजन टू द आर्टिस्ट। वाह वाह, तो ब्यूटीफुल। तो ईच एंड एवरी आर्टिजन ऑफ जयपुर विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर्टिस्ट एंड विल कनेक्ट विद द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन। और आज ये देखो ये जो अपनी खुद के डिजाइन के जो कारपेट बनाते हैं, दुनिया के सेलिब्रिटीज, दुनिया के रिचेस्ट लोग, दुनिया के फेमस लोग,
इनके पीछे लगे रहती है कि भाई ये कारपेट बना के दो, ये कारपेट बना के दो। और इवन जो दुनिया के टॉप डिजाइनर है वो भी इनके डिजाइन के कारपेट खरीदते हैं। अच्छा, तो सबसे richest, सबसे talented, सबसे beautiful घरों के अंदर जा रहे हैं ये artists के, हम इनको artisans भी नहीं कहेंगे, इन artists के जो creations हैं वो पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर चौधरी, आज हमारे साथ आप जुड़े और आपने बहुत ही एक इंस्पायरिंग अपनी जर्नी, जो कि ऐसा नहीं है खतरों के खिलाड़ी, वो गन वाली स्टोरी सुन के तो मुझे वाकई डर लगने लग गया क्योंकि इस इंडस्ट्री जो आप कह रहे हैं कि यू नो बीच में कमर्शियल एजेंट्स हैं, इतने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको लगा कि उनकी उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है, ये तो डायरेक्टली आर्टिसंस के साथ काम कर रहे हैं। एंड नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब व्हेन देयर इज अ मिडिल पर्सन इन्वॉल्वड, तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल काम करने वाला है वो शॉर्ट चेंज हो जाता है, उसको नहीं मिलता उसका। एंड सो दिस इज इन अ वे दैट डायरेक्टली आपने जुड़ा और उनको इनेबल किया, और नॉट ओनली दैट आई थिंक देश विदेश में हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के आर्टिस्ट का और हिंदुस्तान के काम का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एंड विश ऑल योर फैमिली, कविता, आशा, सभी बच्चे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और जयपुर रंग्स को और ग्लोरियस बना रहे हैं, यही विनती है, कंटिन्यू टू डू द गुड वर्क, कंटिन्यू टू एम्पावर द आर्टिसंस ऑफ दिस कंट्री सो दैट दे गेट their due. Thank you so much. Thank you, thank you, dear.